I fought all my life for this. This one part, this one third. भाई 300 जीनी चाकने के बाद भाई लोग का हालत खराब है. एंड ये सीन देखो आप. और वहाँ पे भाई रेलवे स्टेशन है जस्ट बगल में ही है, आप वहाँ से आ सकते हो. तो भाई अभी आप सोच रहे होंगे हम कहाँ पे आ गए. तो भाई हम आए हैं बरवाड़ी पहाड़ी मंदिर. ये है हनुमान मंदिर, इसके ऊपर है काली मंदिर. तो भाई जाओ पीछे से वीडियो देख के आओ कैसे आए हैं, क्या क्या रूट है, पूरा सीन दिखेगा. तो जाओ भाई पीछे से वीडियो देख के. तो आ गए आप यहाँ से वीडियो देखो. तो भाई अभी हम लोग जा रहे हैं बरवाड़ी पहाड़ी मंदिर. तो भाई जाना था हम लोग को मंडे को यहीं पर, कुछ कारण क्या आज जा रहे हैं बुधवार को. एंड जाना था 10 बजे पर, इस वहाँ से चलते लेट हुआ. एंड एक तो अभी आया नहीं भाई, हम लोग 3 लोग जा रहे हैं अभी से, एक तो नहीं और हम. एंड ये बाइक है. तो भाई यहाँ पे जाम पड़ा है, सिंगल लाइन रोड में क्या होगा. तो भाई इसको बोलते हैं असली दोस्ती. देख लो आप इसको बोलते हैं असली दोस्ती. तो भाई जब हम लोग दुबिया कार में हैं, दुबिया कार से आपको उधर ला रास्ता राइट तरफ मोड़ना है वहाँ बरवाड़ी जाने के लिए. तो भाई चलते हैं. I can't forgive, can't forget myself. The pain. So guys, here we are. Auranga Nadi, HP. And by itna pani hai, par isme abhi tak pani nahi aaya. This one time, this one third, I'm sorry, I lost it. No, I let my weapons fall. I'm drowning in the fears that. तो गाइस यहाँ पे आते हैं मंदिर के पास, पंडित जी मिल गए वहाँ पे. एंड पंडित जी थे, उसको बोले कि ऊपर जाओ उसका तार खोल दो, वो कर रहा है. उसके बाद ये आपको भगवान का दर्शन कराता है. एंड उसके बाद ऊपर चलेंगे, ऊपर में बजरंग बली का मंदिर है. एंड उससे भी ऊपर काली माता का मंदिर है. तो चलिए दोस्तों ऊपर में आपको भगवान के दर्शन कराते हैं. हर हर महादेव. चाहे बजरंग बोली तो भाई अब चलते हैं ऊपर हनुमान मंदिर. एंड लगभग 500 से 600 सीढ़ी है यहाँ पे. तो ऊपर चलते हैं पहले हनुमान मंदिर. एंड उसके ऊपर है काली मंदिर. तो चलते हैं, ये मजा आ रहा. तो भाई 100-150 का लगभग यहाँ सीढ़ी पूरा हो गया. एंड भाई इधर का नज़ारा देखो, ये कितना खतरनाक दिख रहा है. एंड यहाँ पे बैठने का जगह है, आप रेस्ट ले सकते हो.
भाई ये सीन देखने के लिए भाई हम कहीं पे चढ़ सकते हैं। तो भाई ये तो अभी 250 सीढ़ी है, जस्ट इसके 300 प्लस सीढ़ी पे यहाँ से राइट मुड़िएगा आप तो बजरंग बली का मंदिर है, तो चलते हैं वहाँ पे। भाई 300 सीढ़ी चढ़ने के बाद भाई लोग का हालत ख़राब है, एंड ये सीन देखो आप। और वहाँ पे भाई रेलवे स्टेशन है, जस्ट बगल में ही है, आप वहाँ से आ सकते हो। भाई रेलवे ट्रैक कितना औसम दिख रहा है ना। एंड हम लोग करीब 400 के लगभग सीढ़ी चढ़ चुके हैं, एंड ये रहा बजरंग बली का मंदिर, चलिए आपको पास से दिखाते हैं। तो भाई हम लोग पहुँच गए बजरंग बली का मंदिर, एंड ऊपर में देखो ऊपर में यहाँ पे बजरंग बली का मूर्ति वहाँ पे है, अंदर भी है। भाई ये मंदिर राजा महाराजा जब पलामगढ़ का राजा था ना जिंदा, तब वही बनवाया था ये मंदिर। यहाँ पे बजरंग बली का ये पत्थर निकला था तब बना था ये मंदिर। इसमें देखो ये पत्थर भाई बजरंग बली, इसमें दिखेंगे तुमको। तो भाई बजरंग बली के मंदिर के बगल में यहाँ पे भोलेनाथ का शिवलिंग के जस्ट अपोजिट भोलेनाथ का भाई त्रिशूल, कितना औसम। यहाँ से भाई नीचे देखो कितना ऊपर आ गया हम, एंड ऊपर में बजरंग बोले मैं देखो। तो भाई यहाँ बजरंग बोली मंदिर तक वहाँ तक, वहाँ से आपको फिर ऐसा रास्ता मिलेगा कच्चा, एंड वहाँ तक सीढ़ी बनाया गया है। एंड इधर से भाई बहुत पुराना मंदिर है, थोड़ा ऐसा ही मंदिर है देखो। एंड भाई चलते हैं ऊपर काली मंदिर, एंड दिखाते हैं आपको पूरा सीन। इधर पूरा जंगल ही जंगल है भाई। तो भाई यहाँ पे लगभग 500 से 600 सीढ़ी है, एंड इधर का पूरा कच्चा सीढ़ी है भाई, बहुत पुराना। इधर पूरा जंगल, यहाँ से काली मंदिर, यहाँ से काली मंदिर लगभग 400 से 500 मीटर दूर है। तो भाई हम लोग काली मंदिर पहुँच गए, ये रहा काली मंदिर। जब दो साल पहले आए थे भाई ये ऊपर लग कुछ नहीं था, अभी पूरा बन रहा है, इसके बीच में कुछ दिख रहा होगा आपको, वही मंदिर है। चलिए पास से आपको दर्शन कराते हैं। भाई 2 साल जब पहले आए थे तो यहाँ पे ये सब ढलिया थे, कुछ नहीं था, सिर्फ ये था इतना। जय काली माता, काली माता नीचे में भगवान शंकर जी, इधर भी पूजा होता है। तो भाई मंदिर के दर्शन के बाद आप ये सीन देखो, कितना खतरनाक दिख रहा है भाई, पूरा दूर तक जंगल ही जंगल है। एंड ये वॉच टावर है, अब इसके ऊपर जाके देख सकते हो, पूरा भयानक सीन दिख रहा है हैवी में। तो भाई ये सीन देख के आपको अच्छा लगा तो वीडियो को एक लाइक कर देना, और अभी तक अगर वीडियो पर बने हो तो। एंड भाई अभी फ़ोटो शूट हो रहा था, तो भाई यहाँ नीचे में इंस्टाग्राम का आईडी आ रहा होगा, तो भाई इस पे जाओ एंड फ़ोटो वगैरह देखो कैसा है। एंड भाई फ़ोटो अच्छा लगता है तो फ़ोटो को लाइक कर देना, एंड इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर लेना। तो चलिए नीचे चलते हैं, फिर से देखो भाई कितना भयानक सीन है। भाई आप जब भी यहाँ पे आएंगे तो कुछ बिस्कुट वगैरह लेके आइएगा, क्योंकि भाई यहाँ पे बंदर लोग रहता है, तुम लोग को भूख लगा रहता है, तो भाई लेके आना बिस्कुट वगैरह चाहे फल फ्रूट। चलिए अभी खिलाते हैं बंदर लोग को। आई
far away. कुछ बिस्कुट या फल वगैरह लेके आइएगा तो भाई दिल को बहुत सुकून मिलता है लोग को खिला के। तो अभी चलते हैं नीचे, बहुत भूख लगा हम लोग को भी, हम लोग कुछ खाएंगे उसके बाद घर जाएंगे एंड वीडियो एंड करेंगे। तो भाई चलते हैं नीचे एंड इंस्टाग्राम का आ रहा होगा यहाँ पे नाम, इंस्टाग्राम पे जरूर जाइएगा एंड फॉलो कीजिएगा। तो चलते हैं नीचे।